हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। आज आप लोगों को डस्ट एलर्जी के बारे में बताएंगे और डस्ट एलर्जी का होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। तो डस्ट एलर्जी से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पहले वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो डस्ट से बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे सर्दी हो जाना, छींके बार बार आना, आँखों में जलन हो जाना, आँखों से पानी आना, सांस का हल्का फूलना, ये सब प्रॉब्लम है डस्ट एलर्जी से। और डस्ट से और भी एलर्जी होता है, शरीर में दाने दाने का हो जाना, ये सब डस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसका होम्योपैथिक ये बहुत ही बेटर मेडिसिन है, जो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। और बहुत सारे पेडिन मेडिसिन भी है डस्ट एलर्जी से रिलेटेड, जो बहुत ही बेटर वर्क करती है। तो आज हम बस आप लोगों को एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे डस्ट एलर्जी का, जो बहुत ही बेटर काम करती है। तो उस मेडिसिन का नाम है पुथोय। तो वो मेडिसिन क्या करती है, पहले ये आप जान जाए। तो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम पावर को बढ़ाती है, मतलब शरीर के वाइटल फोर्स जो वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करती है। और जब स्ट्रॉन्ग करेगी तो डस्ट लड़ने की क्षमता शरीर की बढ़ जाती है। तो बस आज हम आप लोगों को एक ही मेडिसिन बताने जा रहे हैं डस्ट एलर्जी के बारे में। मेडिसिन जो नाम बताया पोथोई फोर्टिस है, तो उसे लेना कैसे है उसे भी हम आप लोगों को बताएंगे। आधे कप ताज़ा पानी में 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम लें पुथोल मेडिसिन को। और डस्ट से ये जो भी एलर्जी हल्का क्रिएट होता है, जो ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम है, जो ख़त्म हो जाती है। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब।